Standard students, today I am going to continue with the second chapter's exercise. Question number one, question number two we will complete today. Question number one may give example of three plants that have spiny fruits. ये टाइप के प्लांट्स के एग्जाम्पल्स लिखने हैं अपने को. स्पाइनी फ्रूट्स का एग्जाम्पल, दिस आर द एग्जाम्पल स्पाइनी फ्रूट्स. इसमें कांटे लगे हुए थे, जैक फ्रूट हो गया, ब्रेड फ्रूट हो गया, कस्टर्ड एप्पल हो गया. जैक फ्रूट, ब्रेड फ्रूट, कस्टर्ड एप्पल. स्पाइनी स्टेम, जिसके स्टेम में कांटे होते हैं, कैक्टस, अकेकिया, एलोवेरा. कैक्टस, अकेकिया, एलोवेरा. रेड फ्लावर प्लांट्स, रोज, हिबिस्कस एंड कैरनेशन. रोज, हिबिस्कस एंड कैरनेशन. येलो फ्लावर्स, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, डेफोडिल. मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, डेफोडिल. लीव्स विथ क्लोज एट नाइट, ऐसे पत्ते जो रात को बंद हो जाते हैं, अकेकिया, मिमोसा एंड अल्बिजिया. अकेकिया, मिमोसा एंड अल्बिजिया. सिंगल सेडेड फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स जिसको एक ही बीज होता है, मैंगो, प्लम, चेरी. मैंगो, प्लम, चेरी. मैनी सीडेड फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स जिसको बहुत सारे सीड होते हैं, वाटरमेलन, एप्पल एंड कीवी. वाटरमेलन, एप्पल एंड कीवी. दिस आर द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, ऑब्जर्व एनी वन फ्लावर एंड इट्स वेरियस पार्ट्स एंड डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स. ओके, फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में बताना है. इज फ्लावर के पार्ट्स के बारे में बताना है. सेकेंड क्वेश्चन आई एम रीडिंग अगेन. ऑब्जर्व एनी वन ऑफ द फ्लावर एंड इट्स वेरियस पार्ट्स एंड डिस्क्राइब इन ओन वर्ड्स. मतलब फ्लावर पार्ट्स के बारे में बताना है. दीज आर द फ्लावर पार्ट्स. ओके, एंथर होता है अंदर का पार्ट, फिलामेंट होता है, ओवलीज होता है, ओवरी होता है, स्टिग्मा, पेटल, स्टाइल, सेपल एंड पेडिकल. राइट, जो एंथर और फिलामेंट होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये जेंट्स लोगों में आते हैं. और जो स्टिग्मा हो गया, ओवरी हो गया, ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. एक एक करके पढ़ते हैं. देखो, एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एंड्रोसियम में एंथर और फिलामेंट दोनों आते हैं. एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ होल ऑफ स्टेमन. एंड्रोसियम में स्टेमन आता है. स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर. स्टेमन में क्या आता है, फिलामेंट आता है, एंथर आता है. फिलामेंट और एंथर. राइट, ए टाइपिकल एंथर इज बिलोब्ड. टाइपिकल एंथर जो है बिलोब्ड होता है, बिलोब मतलब फुगा हुआ रहता है, विच कंटेन्स पोलन ग्रेन. जिसके अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होता है. देखो अभी एंथर ये जो फुगा हुआ है, इसके अंदर क्या रहेगा, पोलन ग्रेन रहेगा. नेक्स्ट इज जीनोशियम. नेक्स्ट क्या होता है, जीनोशियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जीनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ कार्पल्स. कार्पल इज मेडअप ऑफ स्टाइल. कार्पल में क्या होता है, स्टाइल होता है. राइट, स्टाइल जो होता है, इट कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी. स्टाइल क्या करता है, स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है. स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है स्टाइल. नेक्स्ट, स्टिग्मा इट एक्ट एज रिसेप्टिकल फॉर द पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स के लिए जो ये है स्टिग्मा, रिसेप्टिकल्स होते हैं. रिसेप्टिकल मतलब सपोर्ट होता है पोलन ग्रेन्स के लिए. ठीक है, ओवरी इट इज एनराज बेजल पार्ट ऑफ द ऑन विच स्टाइल लाइज. इट इज द एनराज बेजल पार्ट. जो ओवरी होता है, ये एनराज बेजल पार्ट होता है स्टाइल का. ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओवल्स अटैच टू क्यूजिन लाइक प्लेसेंटा. हर एक ओवरी में ओवल्स होते हैं जो किससे अटैच होता है, प्लेसेंटा से अटैच होता है. किससे अटैच होता है, प्लेसेंटा मतलब अंदर वाले पार्ट से अटैच होता है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवल्स डेवलप्ड इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट्स. ओवल्स किस में डेवलप होते हैं, सीड्स में, और ओवरी किस में होता है, फ्रूट्स में. इज दिस क्लियर. दो पार्ट समझा आपको, तो वापस रिपीट करो, ध्यान से देखो. जिम्नोसियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. जिनोसियम रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेडअप ऑफ कार्पल्स, जिसमें कार्पल्स होते हैं. कार्पल में तीन आता है, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी. स्टाइल इट कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी. स्टाइल क्या करता है, स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है. नेक्स्ट आता है स्टिग्मा, इट एक्ट एज अ रिसेप्टेबल फॉर द पोलन ग्रेन्स. ये जो स्टाइल होता, सॉरी स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा ये रिसेप्टेबल होता है पोलन ग्रेन के लिए. मतलब इसके लिए पोलन ग्रेन जो है इसके अंदर आता है, कनेक्शन होता है. ओवरी इट इज़ द एनलार्ज्ड बेसल पार्ट इन विच स्टाइल लाइज. ओवरी जो है, ओवरी एक बेसल पार्ट है जिसमें स्टाइल रहता है. स्टाइल इसी के अंदर रहता है. ठीक है, ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओवल्स. ये हर एक ओवरी में एक से ज़्यादा ओवल्स होता है, लाइक प्लेसेंटा. आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज होने के बाद ओवल्स डेवलप्ड इनटू सीड्स
ओवल्स जो है सीड में डेवलप होता है एंड ओवरिक्स में कन्वर्ट होता है फ्रूट्स में. इज दिस क्लियर? दिस विल बी द फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. टेक दिस स्क्रीनशॉट. ओके एंड स्टूडेंट यू हैव टू डन यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू एज अ होमवर्क फॉर टुडे. इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क एंड आफ्टर कंप्लीटिंग अ वर्क प्लीज सेंड योर कंप्लीटेड वर्क इन ग्रुप. देन इट विल बी वेरी इजी फॉर अदर स्टूडेंट टू understand the concept. Okay, then you these two questions you have to memorize. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.